24 अप्रैल से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमज़ान के पवित्र महीने में मस्जिदों, ईदगाहों, धार्मिक अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम को ना करने का फैसला किया है और वक्फ बोर्ड के जो कि लगभग 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाह हैं, सामाजिक जगह हैं, और भी स्थान हैं जहां पर कि रमज़ान के मौके पर नमाज और अन्य रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे, वहां पर भी उन्होंने उस कार्यक्रमों को ना करने का फैसला लिया है। और ख़ुद मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर के ये फैसला उसी तरह से किया है जिस तरह से शबे बारात के दिन सभी ने फैसला किया था कि शबे बारात के दिन कोई भी जो शबे बारात का कार्यक्रम है सड़कों पे, मोहल्लों में, गांवों में या कब्रिस्तानों में जो जाने का होता था वो नहीं किया और घरों पर ही इबादत और जो भी शबरात से जुड़े हुए कर्तव्य थे उसको पूरी तरह से निभाया।